नए रामायण सीरियल में हनुमान की भूमिका निभाकर और फिल्म साक्षी और सस्पेंस में बतौर अभिनेता। इसके अलावा चर्चित वेब सीरीज आश्रम 3 और 4 में बतौर पुलिस की भूमिका निभाकर अभिनय क्षेत्र में अपना लोहा मनवाने वाले अभिनेता विक्रम मत्ताल मथुरा आए। यहाँ उनके साथ फिल्म निर्देशक अजय राम और कलाकार गौरव शर्मा भी साथ रहे। दरअसल उनके मथुरा आने का उद्देश्य न सिर्फ धार्मिक रूप से प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करना था, बल्कि आगे आने वाली फिल्म Marriage.com की तैयारियों को लेकर ब्रज के विभिन्न स्थानों और कलाकारों का चयन करना भी था। एक स्थानीय होटल में प्रवास के दौरान पत्रकारों से हुई बातचीत में विक्रम मत्ताल ने बताया कि अब फिल्मों की तुलना में वेब सीरीज भी नए कलाकारों को मौका देने का एक बेहतरीन विकल्प बन गया है। बहुत अच्छा लग रहा है, एक अलग ही आत्मिक शांति है और बहुत सुकून। काफी समय से मेरी इच्छा थी पर हो नहीं पा रहा था, लकीली मैं आया हूँ और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि सबसे पहले तो विश्व में शांति रहे, सबका कल्याण हो और हमारी फिल्म इंडस्ट्री फिर से पटरी पे आ रही है, फिर से पटरी पे आ जाए, सबको काम मिले, अच्छा रहे सबके लिए। तो और कुछ नया क्या करने जा रहे हैं आप? अभी एक बहुत जल्द हमारी एक फिल्म स्टार्ट होने वाली है जिसका नाम है marriage.com। हमारी फिल्म स्टार्ट होने वाली है और उसी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोग लखनऊ वगैरह भी जाएंगे तो हो सकता है उसका काफ़ी पोर्शन हम लोग यूपी में शूट करें अलग अलग हिस्से में। ऑडिशन वगैरह चल रहे हैं, उसके प्रोसीजर में है और बहुत जल्द फ्लोर पे जाने वाले हैं उसकी शूटिंग के लिए। सोशल कॉज पे है और नारी शक्ति के बारे में ये फिल्म है। कॉमेडी तो बिल्कुल हर फिल्म में होती है, कॉमेडी है, एक्शन है, ड्रामा है, रोमांस है और एक भारतीय संस्कृति को हम उसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मथुरा आए हैं, क्या क्या कुछ दर्शन करने की लालसा है? बांके बिहारी दर्शन करेंगे, जहाँ जहाँ भी स्पॉट्स हैं पूरा घूमूंगा और एक अलग ही आत्मिक शांति है। जहाँ जब मैं आया स्टेशन से उतरा तो मुझे अलग ही फील आया कि आत्मिक शांति मिली, काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी अलग एटमॉस्फेयर है यहाँ का और काफ़ी डेवलप हो गया है मथुरा। अब ये कॉल डायरेक्टर साहब को रहता है, डिसाइड तो करेंगे, बट मैं चाहूँगा डायरेक्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि मथुरा में शूट करें। अच्छा,